आइए हम लेसन नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे क्लास फर्स्ट के लिए। इसका नाम है लेसन नंबर 2। यहाँ पर हम आम मात्रिक शब्द को समझेंगे। सबसे पहले कि हम शब्द जो होते हैं वो मात्राओं के साथ में जुड़ सकते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो शब्द है आम मात्रिक, जिसमें कोई मात्रा नहीं होती, उन शब्दों का यहाँ पर वर्णन किया गया। सबसे पहले हमने फर्स्ट लेसन में देखा था बॉन्ड माला, बॉन्ड माला के आधार पर हमने आ से अहा और का से किया जो दो पार्ट है वर्णमाला के सीखा था और उसे समझ पाए थे। और हमने देखा था कि आ से अहा अर्थात स्वर में मात्राएं निकल के आती हैं और का से या तक व्यंजन में शब्द निकल के आते हैं। इसी तरह से यहाँ पर अभी कोई मात्रा नहीं लगाई जा रही है, उन शब्दों को हम इस लेसन में अंदर सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे का से या कर व्यंजन में से जो मात्राएं जो शब्द निकल करके आते हैं उन्हें हम देखेंगे। इस तरह से यदि हम एक अक्षर को यहाँ पर देखेंगे का और उसके बाद हम देखते हैं न, तो ये शब्द हो गया कल का और बा देखेंगे तो कब, ज और ना ये दोनों चल, ज और ग इस तरह से चल, मा ग मत। यहाँ से हम 5-5 हम देख रहे हैं। इस तरह से अगर हम तीन शब्दों को हम देखेंगे, तीन अक्षर से जोड़कर हम देखेंगे क मा न, क लम कलम, क ल श कलश, क व न पवन, क ह ज सहज। इस समय हमें यहाँ पर देखिए यह तीन अक्षरों को जोड़कर यहाँ पर शब्द बन रहे हैं। अब हम चार अक्षरों को जोड़ करके शब्दों को बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे छ ल ज म सरगम, छ ग न म शबनम, उ प व न उवन, स यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस तरह से का और या से मात्राओं शब्दों को हम निकाल कर उनको शब्द बना सकते हैं। और यही जो कहलाते हैं आमात्रिक शब्द, जिनमें कोई भी मात्रा नहीं लगाई जाती, वे शब्द आमात्रिक शब्द कहलाते हैं। यहाँ पर हमने दो अक्षरों को लेकर के एक शब्द को तैयार किया है, यहाँ पर हमने तीन अक्षरों को लेकर शब्द को तैयार किया है और यहाँ पर चार अक्षरों को लेकर हमने शब्द को तैयार किया है। यहाँ पर हम समझेंगे कि इसके बाद हम देखेंगे कि शब्द से वाक्य हम कैसे बनाते हैं। हम देखेंगे शब्द से इस तरह से वाक्य बनते हैं। शब्दों से वाक्य बनाना, पहले हम दो अक्षरों के वाक्य को देखेंगे, दो अक्षर के शब्दों
2, 1. Now for the next day. Sorry. 1, 2. वाक्य को